शाहरुख खान की नई फिल्म पठान पर विवाद कम होता नहीं दिख रहा। विपक्षी दलों का कहना है कि रंग पर कोई हल्ला नहीं होना चाहिए, लेकिन मसला रंग का नहीं धार्मिक सोच के सम्मान का है। आम आदमी पार्टी नेता संजय सिंह यूपी पहुंचे थे, लेकिन संजय सिंह ने अभिनेत्री दीपिका पादुकोण के सवाल की बजाय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से ही सवाल पूछा और विरोध करते करते उन्होंने भगवा रंग को भी अपमानित कर दिया। और इस चक्कर में वो ये भूल गए कि भगवा रंग तो संतों और सनातन धर्म की पहचान है। भगवा रंग के वस्त्र धारण करके भगवान श्री राम वन में गए थे। विवेकानंद ने भी गेरुआ वस्त्र पहनकर ही शिकागो में भाषण दिया था। इन महान विभूतियों द्वारा धारण किए गए वस्त्रों के अपमान पर दीपिका से सवाल पूछने की बजाय संजय सिंह ने एक संत से ही सवाल पूछ लिया। भगवा वस्त्र को लेकर जो रंग संतों की पहचान है, अब आपको तफसील से बताते हैं कि संजय सिंह की किस बात पर इतना बवाल हो गया है। जैसा कि आप सबको पता ही है कि शाहरुख खान की फिल्म पठान में भगवा रंग के इस्तेमाल को लेकर पूरे देश में बवाल मचा हुआ है। कई हिंदू संगठन, सियासी पार्टियां और कई दिग्गज इसका विरोध कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी भी इसका विरोध कर रही है। वहीं इस विवाद पर आम आदमी पार्टी और राज्यसभा सांसद संजय सिंह ने बीजेपी को घेरा है। लखनऊ के चारबाग स्थित रविंद्रालय में राष्ट्रीय किसान मंच के अधिवेशन में आए आम आदमी पार्टी नेता संजय सिंह ने कहा कि अफसोस है कि इस देश के अंदर बेरोजगारी और शिक्षा के सवालों पर चर्चा नहीं होती। यहां बिजली पानी के मुद्दों पर, किसानों की फसलों के दामों से संबंधित मुद्दों पर भी कोई चर्चा नहीं की जाती। उन्होंने कहा कि पिछले कई दिनों से टीवी चैनल पर सिर्फ यही चर्चा हो रही है कि भगवा कपड़े पहनकर फिल्म में कैसे डांस हो गया। भाजपा के 3 सांसदों ने तो भगवा पहनकर हीरोइनों के साथ डांस किया है, इस पर कोई कुछ बोल नहीं रहा। संजय सिंह ने इस दौरान भाजपा नेता और पूर्व केंद्रीय मंत्री चिन्मयानंद सिंह को आड़े हाथों लेते हुए कहा कि भगवा पहनने वाले चिन्मयानंद को क्या हम सब ने नहीं देखा कि उन्होंने क्या किया। उन्होंने इस दौरान मुख्यमंत्री योगी के दौरे का भी जिक्र किया। उन्होंने कहा कि भगवा कपड़े पहनकर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ घूमते हैं। वो एक जिले में गए तो वहां शौचालय पर भगवा रंग कर दिया, शौचालय को भगवा रंग बना दिया। क्या ये भगवा का अपमान नहीं है? संजय सिंह विरोध करते करते ये बताना भूल गए हैं कि यूपी में किस शौचालय पर भगवा रंग हुआ है। संजय सिंह ने जब कहा कि सूबे के मुख्यमंत्री भगवा रंग पहनकर पूरे सूबे में घूमते हैं, तो वो ये बात भूल गए कि आदित्यनाथ योगी पहले संत हैं, फिर मुख्यमंत्री, और संतों का परिधान और त्याग की पहचान है भगवा रंग। विपक्षी पार्टी होने के नाते संजय सिंह का ये लोकतांत्रिक हक है कि वो विरोध का स्वर उठाए, लेकिन विरोध मुद्दों पर होना चाहिए, ना कि धार्मिक पहचान और सम्मान पर। लेकिन विरोध में संजय सिंह ये भी भूल गए हैं कि उनकी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक के नोट पर गणेश और लक्ष्मी की फोटो छापने की पहल थी। क्या वो हिंदू देवी देवताओं का अपमान नहीं था? इसीलिए विपक्षी पार्टी होने के नाते विरोध सही है, लेकिन विपक्षी पार्टियों को सनातनी समाज के धार्मिक भावनाओं का भी सम्मान करना चाहिए। ब्यूरो रिपोर्ट, OMH न्यूज़। और भी वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं।